करनाल में हर भारतीय के मान व स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर की सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया। ये यात्रा रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर कमेटी चौक, कर्ण गेट, पुरानी सब्जी चौक, कुंजपुरा रोड, पुराना बस स्टैंड से होते हुए रामलीला भवन में पहुंची, जहां यात्रा ने विश्राम लिया। इस दौरान संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि तिरंगा सम्मान यात्रा सभी भारतीयों के स्वाभिमान की यात्रा है। तिरंगा सम्मान यात्रा में भाग लेने वाले विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने यह भी कहा कि लाल किले पर जो तिरंगे का अपमान किया गया है, उसी के सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें स्वेच्छा से सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान शान है। अब उसके बारे में आज मुसलमान रहे हैं, क्या मकसद है? मेरा नाम खालिस्तान बाजार के ऊपर भारत माता की जय। तिरंगे के सम्मान में है जी यात्रा, तिरंगे के सम्मान में यात्रा है जी। जो अपना लाल किले पे तिरंगे का अपमान हुआ उसके उसमें है जी यात्रा जी, उसके विरोध में। हाँ जी, उसके विरोध, तिरंगे का जो विरोध हुआ लाल किले पे, तिरंगे के पक्ष में, तिरंगे के सम्मान में। तिरंगे क्यों तिरंगा निकाला जा रहा है? ये तिरंगा आज जो करनाल में निकाला जा रहा है, ये जनता को जागरूक और जागरूक बनाने के लिए तिरंगा सबसे ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। और जो इसका तिरंगे का विरोध करते हैं मतलब उनकी ये अच्छी बात नहीं है, उनका पूर्ण समाज, पूरा हिंदुस्तान उनका विरोध करेगा जो तिरंगे का विरोध करेंगे। तो ये तिरंगा सबसे ऊंचा ऊंचा रहेगा। तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, इस शौर्य के प्रतीक के सम्मान के लिए निकाली है। इसका मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि सर्वोच्च रहेगा। जय भारत, जय भारती। आज माँ झंडे वाली सेवा समिति ने सर्व समाज, सभी सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं से मिलकर एक आह्वान किया था। कई जो भी पीछे घटनाएं हुई, किसी के कारण भी हुई, लेकिन तिरंगे का सम्मान बरकरार रहे, ये हमारे मान स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस उपलक्ष में हमने आज एक तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सूचना दी। लोगों में इतना उत्साह, आपने सबने देखा होगा, इतना उत्साह था, रास्तों में जगह जगह तिरंगे पर पुष्प वर्षा हुई। कहां से कहां गए ये? हम ये यात्रा हमने रामलीला भवन से निकाली, रेलवे रोड, ओल्ड जीटी रोड, कुंजपुरा रोड से उतरे, बस स्टैंड रोड से उतरे, हमने यहीं विश्राम दिया। रास्ते में जितने हम लोग, हमें ये होता है जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, ऐसी यात्राएं निकालते हैं, लोग बीच में से निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर 100 लोग चलते हैं तो पता चलता है 75 लोग रह गए। यहाँ हम निकले अगर 1000 लोग, तो जब यहाँ वापसी पहुँचे हैं तो यहाँ 1500 लोग पहुँचे। मतलब लोग साथ जुड़ते गए। मैं अकेला चला था, कारवा बढ़ता गया, हम संस्थाएं चली थी और ये कारवा बनते हुए आज, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये देश के स्वाभिमान का कार्यक्रम था। और देश का स्वाभिमान हमारा तिरंगा, तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। कोई भी भारतीय, कोई भी हिंदुस्तानी तिरंगे का अपमान नहीं सह सकता, इसलिए तब तिरंगे के स्वाभिमान में हमने यह यात्रा निकली। और मैं सभी आए हुए संस्थाओं का, व्यापारिक संस्थाओं का, मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये यात्रा को कवर भी किया, सहयोग भी किया हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो भी लाल किले पर हुआ वो एक बहुत निंदनीय घटना थी, उसके लिए हम खुद शर्मिंदा है, अपने में से या जिन्होंने भी किया, बहुत निंदनीय कार्य करा, उसके लिए तो सिर्फ हम शर्मिंदा हो सकते हैं, इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।